नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लाइफ प्रोटेक में। सबसे पहले देखते हैं कि रेन इंडस्ट्रीज़ के सेकंड क्वार्टर का रिजल्ट क्या हुआ और ये भी देखेंगे कि रेन इंडस्ट्रीज़ ने सुप्रीम कोर्ट में कौन सा नया केस फाइल किया है और उसका आउटकम पे क्या क्या रिजल्ट आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्यूटी रिजल्ट। तो क्यूटी रिजल्ट के अनुसार रॉ मटेरियल के प्राइस में गिरावट आने के कारण प्रॉफिट इम्प्रूव हुआ है, सीमेंट से भी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। ईबीटा फ्रॉम सीमेंट इंक्रीज टू 55 करोड़। कोच ताल पिच का डिमांड भी स्ट्रांग रहा है, जहां इसके कंपटीटर कॉपर को कोच ताल जो कि इसका रॉ मटेरियल है उसके प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। वहीं जेन के पास रॉ मटेरियल की सोर्सिंग पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छा है और जेन का CTP मार्जिन भी कॉपर से अच्छा है। जेन इज नंबर वन इन द वर्ल्ड इन CTP एंड बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी लोएस्ट है और इसलिए बहुत सारे कॉपर्स के कस्टमर उनसे दूर जा रहे हैं और अगले क्वार्टर में भी CTP अच्छा प्रॉफिट दिखाता रहेगा। CPC का प्राइस कम हो रहा है फिर भी मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि इसका रॉ मटेरियल जो कि रॉ पेट कोक है का प्राइस भी कम हो रहा है, बल्कि CPC की प्राइस से ज़्यादा कम हो गया है, इसलिए मार्जिन ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है। चलिए इस कंपनी से रिलेटेड कुछ हाइलाइट्स आपको बता दें। इसका जर्मनी का प्लांट में ट्रायल प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और दिसंबर क्वार्टर से रेवेन्यू भी स्टार्ट हो जाना चाहिए और अगले साल से एवरी क्वार्टर से इंक्रीज रेवेन्यू और प्रॉफिट दिखाना चाहिए। अब देखते हैं कि व्हाई दिस प्लांट विल प्रोड्यूस हाई मार्जिन मोर देन 30-40% ऑन द देयर प्रोडक्ट। इसका जो प्रोडक्ट है रेसिन, उसका यूरोप में सप्लाई कम है और मोस्टली इसका इम्पोर्ट चाइना से किया जाता है, जिससे किसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि चाइना काफ़ी दूर है, जबकि रिन अपने यूरोप के प्लांट से पूरे यूरोप में अपने कस्टमर को अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बहुत ही कम कॉस्ट में और कम समय में सप्लाई कर सकता है। चाइना रेसिन को मोल्टेन फॉर्म में सप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि चाइना का डिस्टेंस लगभग 7000 किलोमीटर है। रिन मोल्टेन फॉर्म में भी सप्लाई कर सकता है, इससे इंडिविजुअल का कॉस्ट में भी सेविंग होगा, इसलिए यूरोपियन कस्टमर इजीली चाइनीज़ कंपनी से जेन में स्विच कर सकते हैं, जिससे उनका कॉस्ट भी कम होगा और जल्दी डिलीवरी भी होगा। जेन बहुत सारे वेरी लो मार्जिन केमिकल प्रोडक्ट्स बनाता है जिसे वो बाहर नहीं बेचता क्योंकि बल्कि उसे खुद अपने रॉ मटेरियल की तरह यूज करता है। उससे हाई प्राइस वाटर वाइट रेसिन बनाता है जिससे इसका मार्जिन भी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है और इस प्रोडक्ट का यूरोप में सॉलिड डिमांड है और प्रोडक्शन भी लिमिटेड है। बिजाग में रेन का जो नया CPC प्लांट बन रहा था वो अभी थोड़ा डिले हो गया है, शायद इस साल कोई प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हो पाएगा। हालांकि मैनेजमेंट बोल रही है कि Q4 से प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन ये एक डिफ़िकल्ट टारगेट है। और दूसरी बात ये कि जैसा कि मैं पिछले साल अपने वीडियो में बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने पेट कोक के इम्पोर्ट पर एक लिमिट लगाया था, उसके वजह से रेन अपने एग्जिस्टिंग प्लांट के लिए जो रॉ पेट कोक का फुल रिक्वायरमेंट है उतना भी इम्पोर्ट नहीं कर पा रहा है और अपने एग्जिस्टिंग प्लांट और न्यू प्लांट के लिए रॉ पेट कोक का जो रिक्वायरमेंट है उसके लिए इंपोर्ट करने के लिए नहीं अप्रूवल ले पाया कोर्ट से। इसके लिए रेन फिर से सुप्रीम कोर्ट में एक न्यू परमिशन के लिए पूछा है। चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसका क्या स्टेटस है। जब कई बार सुप्रीम कोर्ट ने रेन का अप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो रेन ने सुप्रीम कोर्ट में एक डिफरेंट पॉइंट के ऊपर क्लारिफिकेशन के लिए केस फाइल किया है। लास्ट जजमेंट में ऐसा कहा गया था कि इम्पोर्ट लिमिट सिर्फ उन्हीं कंपनियों को दिया जाए जिनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए FGD इक्विपमेंट हो, जो कि CPC कैल्सिनेशन में 90% तक सल्फर जनरेशन को कम करता है, इससे पॉल्यूशन बहुत कम हो जाएगा। और दूसरी पॉइंट ये कि इसका जो नया प्लांट है वो सेज के अंदर आता है तो इसके लिए इम्पोर्ट का अलग से रूल होता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से उनका ओपिनियन पूछा है और इस पर 10-15 दिन में नेक्स्ट हियरिंग होने वाला है। तो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट EPCA ने जो रिपोर्ट तैयार किया है या जो सुप्रीम कोर्ट को सजेस्ट किया है उससे रेन इंडस्ट्रीज़ पर क्या इम्पेक्ट होगा, तो चलिए उस पर एनालिसिस करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि EPCA का रिकमेंडेशन क्या है। फर्स्ट रिकमेंडेशन है कि GPC इम्पोर्ट के लिए FGD इक्विपमेंट का होना कंपलसरी नहीं होना चाहिए और न ही जजमेंट कॉपी में कंपलसरी वर्ड यूज हुआ है। एक्चुअली जजमेंट में जो वर्ड यूज किया गया था वो वर्ड था नीड्स टू बी ट्रीटेड विथ FGD सिस्टम, मतलब FGD सिस्टम से वो ट्रीटमेंट होना चाहिए पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए।
लेकिन EPCA का कहना है कि कंपलसरी वर्ड यूज नहीं हुआ है, मतलब कि जेन को इस बेसिस पे ज़्यादा इंपोर्ट कोटा नहीं दिया जा सकता है। आपको बता दूं कि सिर्फ रेन के पास ही FGD सिस्टम लगा हुआ है पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। अगर जजमेंट का मतलब अगर जेन के फेवर में हुआ तो फिर तो रेन के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सेकंड रिकमेंडेशन है कि सभी कंपनियों को 1 ईयर का टाइम दिया जाए FGD इंस्टॉल करने के लिए, और उसके 1 साल के बाद उन्हें GPC इंपोर्ट करने के लिए FGD सिस्टम होना मस्ट हो, ऐसा कंडीशन लगाया जाए, वो भी 1 साल के बाद। अगर ये रिकमेंडेशन सुप्रीम कोर्ट मान लेता है तो रेन के लिए लॉन्ग रन में बेनिफिट होगा, क्योंकि अभी सिर्फ रेन के पास ही FGD सिस्टम है। बहुत सारे छोटे कंपनियों के FGD सिस्टम इंस्टॉल करना मुश्किल होगा, क्योंकि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है और वो कंपनियाँ बंद हो सकती है। थर्ड रिकमेंडेशन है कि रेन की नई प्लांट जो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उससे GPC का इंपोर्ट कोटा नहीं दिया जाना चाहिए। उनका कहना है कि रेन इंडस्ट्रीज का जो नया प्लांट है वो इंपोर्ट बैन के बाद स्टार्ट हुआ है, इसलिए उसे कंसिडर नहीं किया जाना चाहिए। जबकि रेन का कहना है कि उसने ये प्लांट बहुत पहले ही बनाना स्टार्ट कर दिया था, अब देखते हैं कि जेन इसे साबित कर पाता है या नहीं। फिफ्थ रिकमेंडेशन है कि इंपोर्ट कोटा तभी इंक्रीज होना चाहिए जब डोमेस्टिक GPC फुल्ली यूटिलाइज हो। अभी हमारे कंट्री में 0.46 मिलियन टन ऑफ GPC IOCL प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो सिर्फ बिहार एंड असम बेस्ड कंपनियों को ही बेच सकती है, ऐसा कंडीशन लगाया हुआ है। ये जो सिक्स रिकमेंडेशन है कि न्यू BIS रूल फॉर एल्युमिनियम इंडस्ट्रीज हैज इंक्रीज द SO2 इमिशन नॉर्म्स, और उसने इस नॉर्म्स को बढ़ाकर 1.25 से बढ़ाकर 3.5% कर दिया है, जिसे रिवाइज करना चाहिए। इसे एल्युमिनियम स्मेल्टर लोअर ग्रेड CPC यूज कर सकते हैं जिसमें कि लो सल्फर होता है। चलिए अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का आउटकम का रेन पे क्या इम्पैक्ट आ सकता है। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट EPCA के कुछ रिकमेंडेशन को मान ले, जैसे कि गिविंग 1 ईयर टाइम टू अदर कंपनी टू इंस्टॉल FGD। इस केस के बारे में बहुत सारे स्मॉल कंसर्नर कंपनियां FGD सिस्टम हाई कॉस्ट के कारण नहीं लगा पाएगी और आउट ऑफ बिजनेस जा सकती है। इससे जेन को फ़ायदा होगा, लेकिन वो भी 1 साल के बाद। अगर सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर करती है कि जिनके पास पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए FGD सिस्टम नहीं है वो अभी से ही GPC इंपोर्ट नहीं कर सकते हैं, तो जेन के लिए एक बहुत बड़ा बम्पर न्यूज होगा, लेकिन ऐसा होने का चांस मुझे तो कम लगता है। जेन अपना नया प्लान 2 साल पहले स्टार्ट किया था और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लास्ट ईयर आया है, लेकिन EPCA का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के लास्ट ईयर ऑर्डर आने के बाद नया प्लांट का काम स्टार्ट हुआ है। तो अगर जेन ये साबित कर देती है कि वो पहले स्टार्ट हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट में अलाउ इट टू इंपोर्ट GPC फॉर न्यू प्लांट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट EPCA के ओपिनियन को मानती है तो फिर तो नो होप। जेन का दूसरा वैलिड पॉइंट ये है कि न्यू प्लांट इज कमिंग अंडर सेज, और सेज रूल के मुताबिक कोई भी रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जा सकता है, इवन वो रॉ मटेरियल रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में हो तब भी उसे इंपोर्ट किया जा सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट को सेज रूल के हिसाब से वैलिड केस लगता है तो GPC इंपोर्ट अलाउ कर सकती है, और जब प्लांट प्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाए तब वो उसे इंपोर्ट कर सकती है, एंड दिस इज अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर द रेन। नेक्स्ट इज इफ सुप्रीम कोर्ट रिवाइज द SO2 लिमिट फॉर एल्युमिनियम कंपनी टू अर्लियर लेवल टू 1.25%, मतलब जो कि पहले था, तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज होगा और इससे CPC का प्राइस भी बढ़ेगा। अगर IOC का डोमेस्टिक GPC सेल का कंडीशन सुप्रीम कोर्ट हटा देता है और ये अलाउ कर दे कि IOC किसी भी इंडियन कंपनी को जो कि किसी भी स्टेट को हो उसे सेल कर सकता है, तो रेन उससे GPC आराम से खरीद सकता है और इससे उसका जो इंपोर्ट GPC के साथ मिक्स कर उसे यूज कर सकता है, लेकिन इसका चांस शायद 50-50 ही है। अब देखते हैं कि जो हमारा ये एनालिसिस है इसका कंक्लूजन क्या है। EPCA का जो रिकमेंडेशन है वो रेन के फेवर में है नहीं, सुप्रीम कोर्ट इसे मान भी सकती है नहीं भी मान सकती है, लेकिन ज़्यादा चांस लग रहा है कि मान सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अभी जेन के शेयर प्राइस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहेगा और इस पर हैवी सेलिंग आ सकती है। अभी हम लोग को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट का वेट करना होगा जो अगले कुछ वीक में आने वाला है। इन माय ओपिनियन पहले भी सुप्रीम कोर्ट पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के रिकमेंडेशन को माना है, और अगर ऐसा हुआ तो जेन एग्जिस्टिंग प्लांट को 100% कैपेसिटी पर नहीं चला पाएगा और न्यू प्लांट के लिए मार्च 2020 तक वेट करना होगा जब वो फ्रेश इंपोर्ट कोटा के लिए अप्लाई करेगा।
मुझे ऐसा लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर जेन के फेवर में नहीं होता है तो जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपना स्टॉक बेचना स्टार्ट करेंगे और इसका प्राइस नीचे 65 सेंटी के लेवल पर जा सकता है। इसलिए कोई भी फ्रेश बाइंग या एवरेजिंग सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के बाद ही सोचना ठीक होगा। मुझे ये भी लगता है कि जेन के इस केस में दम है, तभी तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया है, वरना ये केस सुप्रीम कोर्ट जुलाई में ही डिसमिस कर दिया होता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट भी किया और ईपीसीए से अपना ओपिनियन मांगा, सो इसमें दम तो है। और मैं आशा करता हूँ कि ये जेन के लिए एक अच्छा चांस है और उसका इम्पोर्ट इशू भी सॉल्व हो सकता है अगर जजमेंट जेन के फेवर में होता है तो। और अगर ऐसा हुआ तो जेन का शेयर प्राइस कुछ दिन तक डेली अपर सर्किट में जाएगा और बहुत जल्द ये 150 लेवल क्रॉस करेगा। दोस्तों, ये मेरा एजुकेशनल पर्पज से किया गया एनालिसिस है, प्लीज़ इसे मेरा रिकमेंडेशन ना माने। आप कोई भी बाई या सेल डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह करने के बाद ही लें। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा सपोर्ट है। नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।